अल्लाह गुड मॉर्निंग कैसे आप सब लोग उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे तो अभी सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए इडली आ, वैसे तो वो वो पे है बट कभी कभार हफ्ते में ना ऐसा एक आध बार वो डाइट चीज करते हैं तो आज उनका मन कर रहा था इडली खाने का तो मैंने रात में ही प्रिपरेशन कर लिया था तो साथ डोसा -साथ ही बना लूँगी सेम बैटर से बन जाता है तो और वो जो इडली का जो मैं बर्तन फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ जो मैं इंडिया से लेकर आई थी और यहाँ पर मैं थोड़ा चटनी भी बना लूँगी कोकोनट चटनी वैसे तो रेड चटनी ज़्यादा पसंद है हस्बैंड को बट मैं थोड़ा सिंपल सा बना ले रही हूँ झटपट जो मैंने ये बनाया था ना ये जो क्यूब्स बना कर रखे थे मैंने धनिया पुदीना और ग्रीन चिलीज़ का तो एक क्यूब डाल दूँगी तो अच्छा सा कलर भी आ जाता है चटनी में और थोड़ा सा फ्लेवर भी आ जाता है सारे हर्ब्स का तो बस थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे थोड़ा सा डिजोल्व होने के लिए रख देंगे इसको इस तरह से मिक्स करके पानी में और यहाँ पर हमारा गर्मा गर्म इडली बनकर रेडी हो गया है और डोसा भी हमारा बन गया है मुझे इस तरह का क्रिस्पी डोसा बहुत अच्छा लगता है खाने में तो हमारा साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी हो गया है और ये इडली का जो बर्तन था ना बहुत ही अच्छा है अच्छे से बन गया इडली उसमें और चल के देखते हैं अभी मीशू क्या कर रही है अब समझ में आता है अभी बोलने की दे रही है देख रही है टीवी में कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा देख रही है मिशू देखो वाओ वाओ मिशू आ मिशू 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 सी वेरी इज अ वेरी मिशू वेरी इज अ तो आज मैं करने वाली हूँ इस बाथरूम की क्लीनिंग और जो लिविंग रूम में जो बाथरूम होता है ना उसको मैं क्लीन करूंगी छोटा बाथरूम है और बहुत टाइम से क्लीन भी नहीं हुआ है मतलब जस्ट ऊपर ऊपर से क्लीन हो रहा है डीप क्लीनिंग नहीं हुआ है और ये देखिए कितना गंदा हो गया है टाइल्स के बीच में जो लाइन है ना पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया है तो ये से निकालना बहुत ईजी है मैं आपको ट्रिक बताऊँगी और ये शावर एरिया है यहाँ पे तो ज़्यादा ही गंदा होता है ये देखिए पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया है तो इसे मैं थोड़ा क्लीन कर लूँगी और बहुत आसानी से क्लीन हो जाता है चाहे जितना भी गंदा हो और यहाँ पे सारा सामान मैं रखती हूँ जितना भी क्लीनिंग आइटम्स होता है ना बाथरूम का एक बास्केट में डाल के इस तरह से तो यहाँ मैंने एक चॉप स्टिक रखा है बालकनी का वो रेलिंग वगैरह क्लीन करना हुआ और भी और भी बहुत काम चीज में काम आता है और ब्रश वगैरह रखा है तो चलिए करते हैं अभी सफाई और साथ में ये क्लोरॉक्स है इससे मैं क्लीन करूंगी फ्लोर टाइल्स जो भी है बाथरूम का तो सबसे पहले तो बाथरूम को खाली करना जरूरी है क्योंकि खाली बाथरूम में ना साफ सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है और ये वाला जो मॉप है ना मैं जब मेड नहीं आती है ना हफ्ते में एक दिन छुट्टी होता है उनका तब मैं ये स्प्रे मॉप है स्प्रे करके मॉप करना होता है तो मैं कभी करूँगी तो दिखाऊँगी तो सारा सामान ये सब निकाल के मैं बाहर रख दूंगी और ये वाला जो है ना ये ओवर द डोर हैंगर है ये बहुत अच्छा है मतलब रेंटेड अपार्टमेंट है ना तो आप स्क्रू ये सब नहीं कर सकते अगर ये नहीं होता तो मैं शायद ये स्पेस यहाँ का यूज भी नहीं कर पाती क्योंकि आप ड्रिल नहीं कर सकते हो फिर कैसे यूज़ करते हैं इसको तो ये हैंगर लगा के ना मैं सारा झाड़ू वाड़ू वहीं पर रख देती हूँ छोटा सा स्पेस है पीछे में आप देखेंगे तो बिल्कुल जरा सा स्पेस है इसको मैंने यूटिलाइज किया है क्योंकि झाड़ू वगैरह अगर सामने रख देना बाथरूम में तो अच्छा नहीं दिखता विजिबल होता है सा झाड़ू याू तो देखने में अच्छा नहीं लगता डोर के पीछे रख दूँ तो पता नहीं चलता है और सामान भी ऊपर मतलब खराब भी नहीं होता है तो सब सामान को बाहर रख देते हैं फटाफट और इस बाथरूम में ज़्यादा सामान नहीं है तो मतलब जो अटैच बाथरूम बेडरूम के साथ है ना सा, ज़्यादा सामान उसमें है तो इसमें साफ़ सफाई करना थोड़ा इजी हो जाता है सामान कम है तो डस्टबिन भी के दूँगी बाहर और जब भी मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ यूँ ना तो मैं ऊपर से स्टार्ट करती हूँ मतलब ऊपर से नीचे आती हूँ सफाई करते हुए और मैं ये वाला बॉडी स्क्रब यूज़ करूँगी जो मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ थोड़ा ख़राब हो गया है बट ये इतना हार्ड भी नहीं है इतना सॉफ्ट भी नहीं है ग्लास क्लीनिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और मैं डिश वॉशर यूज़ करूँगी अप्रिल का आसान आसानी से क्लीन हो जाता है ग्लास वगैरह ज़्यादा इफ़र्ट लगाना नहीं पड़ता है तो बस मैंने हल्का सा गीला कर दिया ग्लास को और बस इस तरह से ना थोड़ा अच्छे से हल्का हल्का इफ़र्ट लगा के ना इसे क्लीन कर लेना है और मैं टाइल्स वगैरह क्लीन नहीं कर रही हूँ क्योंकि वॉल टाइल्स मैंने हफ्ता दस दिन पहले क्लीन किया था तो वो क्लीन है इतना गंदा नहीं है बट ये यह सब यहाँ का पानी एक्चुअली थोड़ा हार्ड है हार्ड वाटर है तो थोड़ा भी छीटा पड़े ना ये ग्लास वगैरह में तो धब्बा धब्बा बैठ जाता है कैमरे में दिख नहीं रहा है आप लोगों को अलग बात है बट बहुत सारे छीटे पड़े हुए हैं तो दिखने में अच्छा भी नहीं लगता है तो मैंने सोचा क्लीन कर देते हैं आज बहुत टाइम से मैं सोच रही थी बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा था तो मीटर बिल्कुल क्लीन हो गया है बाहर से अब अंदर से क्लीन करना है इसे अंदर ज़्यादा गंदा है दब्बा दब्बा पूरा है यहाँ पर अलीना कभी कभी शावर लेती है अगर मिशू सो रही होती है स्कूल से वो आ रही आती है ना कभी कभार ऐसा तो ताकि वो डिस्टर्ब ना हो रूम में और रूम वाला जो अटैच बाथरूम है तो यहाँ पे आके वो नहा वहा लेती है और आप सोच रहे होंगे मैं वाइपर से क्यों क्लीन कर रही हूँ क्योंकि अलीना नहाते वक्त उसने शावर को ख़राब कर दिया है शावर नहीं है इसलिए मैं वाइपर से थोड़ा निकाल के ना साबुन उसके बाद हल्का सा जग से धो लूँगी जग में पानी डाल के और कोई धाग धब ना रह जाए पानी का फिर से मतलब ऐसे छोड़ देंगे ना तो पानी फिर से वो धब्बा बैठ जाता है इसलिए मैंने वाइपर से पानी भी निकाल दिया है और मिरर को भी ना इस तरह से मैं वाइपर से इसका साबुन निकालने के बाद गीला कपड़ा से पोस दूंगी क्योंकि जैसे कि मैंने कहा रेंटेड अपार्टमेंट है अगर पानी वानी चला गया ना मिरर के अंदर तो दाग वाग हो जाएगा फिर इसका पैसा अलग से भरना पड़ेगा तो टू बी ऑन सेफ़ साइड ना मैं धोती नहीं हूँ पूरा मिरर को फ्रेम जस्ट कपड़े से पोस देती हूँ मिरर का और ऐसा गीला कपड़े से ग्लास मिरर भी पोस देती हूँ और यहाँ पर बाथरूम की मतलब ये नल वल भी क्लीन कर लूँगी ये एरिया थोड़ा ज़्यादा गंदा होता है सिंक एरिया जो भी होता है ना बाथरूम का थोड़ा ज़्यादा गंदा होता है क्योंकि ज़्यादा यूज़ होता है ये एरिया तो सिंक भी बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है बट आप चाहो तो जो लिक्विड आता है ना क्लीन करने का सिंक वगैरह वो यूज़ कर सकती हो बट मुझे वो साबुन लेती हूँ ना पूरा सफाई कर देती हूँ डिश मतलब जो लिक्विड आता है डिश वॉशर का बस कोमड के लिए मैं अलग से हार्पिक यूज़ करती हूँ और यहाँ पर ना मैं कोमड में हार्पिक डालने के बाद थोड़ा सा छोड़ देती हूँ और यहाँ पर मैं ब्लीच यूज़ कर रही हूँ क्लोरोक्स का इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है आप ट्राई करके देखें या फिर बेकिंग सोडा ले बेकिंग सोडा में थोड़ा सा मतलब क्लोरक्स एड करें और हल्का सा उसे मतलब पेस्ट फॉर्म में बना लें उसके बाद आप जहाँ जहाँ टाइल्स है ना मतलब टाइल्स का जो लाइन्स है ब्लैक ब्लैक हो जाता है वहाँ पर अब देखिएगा मैजिकली क्लीन हो जाता है वो एरिया बहुत अच्छे से क्लीन होता है मैंने बहुत बार किया है इस तरह से बट आप मेक श्योर sure करें कि जो मतलब जो फ्लोर है ना वो गीला ना हो ड्राई हो ड्राई फ्लोर पे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है मेरा फ्लोर तो खैर गीला हो गया था क्योंकि ग्लास वगैरह मैंने क्लीन किया था ये शावर ग्लास जो था तो उसकी वजह से मतलब और अच्छे से क्लीन होता क्लीन तो हुआ है बट और भी अच्छे से क्लीन होता अगर मैं ड्राई फ्लोर पे यूज करती उसको तो क्लोरोक्स को तो इस तरह से ना अभी मैं यहाँ पे डिटॉल का डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर रही हूँ कोमोड में और थोड़ा सा मैं डाल के छोड़ देती हूँ उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा स्क्रब कर लेती हूँ और यहाँ पर मैं साबुन वाबु नहीं लगाती हूँ मतलब जो फ्लश वगैरह जो है ना वहाँ पे नहीं लगाती हूँ डिसइंफेक्टेंट से क्लीन हो जाता है अच्छे से चमक चमक उठता है मतलब हल्का सा स्क्रब कर देती हूँ बाद में और इसे मैं कोमोड थोड़ा क्लीन कर लूँगी और इसे मैं तब तक क्लीन करती हूँ जब तक मैं सैटिफाइड ना हो जाऊँ कि क्लीन हो गया अच्छे से और यहाँ पर देखिए बस थोड़ा थोड़ा स्क्रबर से मैं घिस देती हूँ हल्का हल्का तो बस ये अच्छे से क्लीन हो जाता है तो ये टॉयलेट सीट वगैरह डिटॉल का डिसइंफेक्टेंट डालने के बाद थोड़ा सा हल्कल्का स्क्रब कर लेती हूँ स्क्रबर से उसके बाद बस ये टॉयलेट सीट वगैरह अच्छे से क्लीन होने के बाद मैं ये नीचे का जो एरिया होता है ना ये मतलब दिखता नहीं है बट ये भी बहुत गंदा होता है तो सब मैंने क्लीन कर लिया है अच्छे से बस पानी से धो लूंगी और बिल्कुल चकाचक हो जाएगा ये को देखिए एकदम न्यू जैसा हो गया है और ये टिश्यू होल्डर है इसे भी क्लीन कर लूँगी अच्छे से तो बाथरूम अच्छे से क्लीन हो गया मैंने पूरा बाथरूम ही क्लीन कर दिया है बस फुल टाइल्स नहीं किया वॉल का जो टाइल्स है और यहाँ पर ना मैं ब्रश के जरिए इसको क्लीन कर रही हूँ अच्छे से क्लीन होता है ब्रश अगर आप करेंगे ना स्ट्रॉन्ग वाला ब्रश ऐसा यूज़ किया वो ब्रश ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि थोड़ा हार्ड ब्रश रहे तो अच्छा है तो जो कोलगेट वगैरह के साथ फ्री ब्रश आता है ना वो उसे मैं यूज़ करती हूँ यहाँ पर तो इस तरह से घिस-घिस के सारा जो गंदा है निकाल दूंगी और देखिए इतना चकला अभी क्लीन हो गया है और ये कपड़ा धोने का ब्रश ऐसे भी मैं यूज़ करती हूँ टाइल घिसने के लिए और ये कॉर्नर स्पेस में इस तरह का ब्रश यूज़ करती हूँ तो बाथरूम बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है ऑलमोस्ट जब मैं यहाँ पे आई थी ना तो और भी गंदा था बाथरूम आने के बाद मैंने थोड़ा क्लीन किया तब जाके मतलब फ्लोर टाइल्स इतना अच्छा दिख रहा है क्योंकि रेंटेड अपार्टमेंट है बहुत लोग यूज़ करते हैं बहुत तरीके से यूज़ करते हैं कोई ज़्यादा क्लीन रखते हैं कोई इतना अच्छा क्लीन नहीं रखते तो जब आई थी ना बहुत ज़्यादा गंदा था। तो तुमने जब आते ही हमने डीप क्लीन करवाया था फिर भी क्लीन नहीं हुआ तो फिर मैंने बाद में अच्छे से क्लीन किया था और हमारा बिल्कुल भी ना टॉयलेट वगैरह सब क्लीन हो गया है और डस्टबिन को भी क्लीन करके धोकर अच्छे से रख दूंगी और क्लोरोक्स और बेकिंग सोडा को मिक्स करके ना आप बहुत अच्छे से मतलब क्लीन कर सकते हो अगर वॉल का जो टाइल्स होता है उसमें भी बहुत जगह मतलब शावर एरिया में स्पेशली मतलब गंदा हो जाता है ना ब्लैक ब्लैक हो जाता है टाइल्स के बीच में तो बहुत ही गंदा दिखता है तो आप ऐसा पेस्ट बना के ना जैसे मैंने बोला वो थोड़ा सा बेकिंग सोडा लो और थोड़ा सा क्लोरोक्स को डाल के ना उसे लिक्विड फॉर्म थोड़ा सा पेस्ट फॉर्म में बना के जहाँ जहाँ गंदा है टाइल्स का वहाँ वहाँ घिस दो मतलब लगा दो और उसके बाद पाँच सात मिनट छोड़ के अच्छे से आप उसे घिस दो तो आप देखोगे कितना अच्छा मतलब सेटिस्फाइड हो जाओगे रि रिजल्ट इतना अच्छा रिजल्ट आएगा तो मैं ऐसे ही करती हूँ और यहाँ पर जो तो बाथरूम का जो पानी था मैं निकाल दे रही हूँ और देखिए कितना अच्छा सा टाइल्स क्लीन हो गया है बहुत ही क्लीन हो गया है अभी बहुत ज्यादा गंदा हो गया था अब सारी जगहों को मतलब सारी चीजों को जगह पे रख दूंगी ये सब क्लीन हो गया है ये सब मैं क्लीन कर देती हूं वीकली और ये स्पेशली अलीना यूज करती है बाथरूम ज्यादा सुबह स्कूल जाना होता है तो इसलिए यहां पे आती है वो और थोड़ी सी मेहनत करने के बाद जब ऐसा रिजल्ट मिले ना इस तरह से बाथरूम जब क्लीन हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है अच्छा फील होता है मतलब मेहनत किया उसका फल दिख रहा है ऐसा फील होता है कि चलो आ, तो बहुत अच्छे से बाथरूम क्लीन हो गया सेटिस्फाइड हूँ मैं और यहाँ पर साथ साथ बाथरूम का डोर भी जब मैं बाथरूम क्लीन करती हूँ ना तभी बाथरूम का डोर भी क्लीन कर देती हूँ वरना ये क्लीन नहीं होता ऐसे रह जाता है तो बस डस्ट पड़ गया था बहुत और ऐसा ब्लैक ब्लैक डोर हो ना डार्क कलर का तो डस्ट दिखता है विजिबली तो बस इसे भी मैं क्लीन कर दूंगी और इसके साथ ही हमारा बाथरूम का जो क्लीनिंग है वो कंप्लीट हो गया है और बाथरूम क्लीन करने के बाद तो मतलब बिना नहा के रहा ही नहीं जाता है मतलब इस तरह से मैं गिली हो जाती हूँ ना और अब मैं आ गई थी लंच बनाने क्योंकि लंच भी बनाना है अलीना आ जाएगी थोड़ी देर में और ये चिकन बहुत ज़्यादा है मतलब हमारा छोटा सा फैमिली है तो थोड़ा सा मैं आधा आधा यूज़ करती हूँ आधा वापस मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ इस तरह से क्लिंग फिल्म से रैप करके अच्छे से और बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि आप सिर्फ क्या चिकन ही वगैरह ही खाते हो आप नॉर्मल खाना नहीं खाते हो क्या ऐसा नहीं है मतलब क्योंकि मैं रे, रेगुलर व्लॉगिंग नहीं करती हूँ तो रेगुलर मैं क्या खा रही हूँ आप लोगों को पता नहीं चलता है और हाँ चिकन थोड़ा ज़्यादा खाते हैं क्योंकि हस्बैंड डाइट पर है तो वो थोड़ा थो चिकन प्रीफर करते हैं और मुझे अलग अलग बनाना पड़ता है नहीं तो, तो मैं चाहती हूँ कि एक ही खाना बने वो भी खा सके तो इस तरह का मैं खाना बना लेती हूँ या फिर कभी कभी उनका कुछ डाइट का बनाती हूँ तो वही हम खा लेते हैं तो इस तरह से ना मैं एक ही तरह का बनाना बनाने की कोशिश करती हूँ कि एक ही तरह का खाना बने और हम सब खा लें तो बस मैं आज ग्रीन करी बना दूँगी तो ग्रीन करी माइल्ड भी होता है बहुत बच्चे भी खा लेते हैं तो मैंने यहाँ पर अनियन रख दिया है फ्राई होने के लिए और मैंने ना ये कॉलीफ्लावर कट करके रखा था रात में आज सब्ज़ी बना लूँगी कॉलीफ्लावर मुझे बहुत पसंद है और आलू डाल के थोड़ा सा भाजी बना लूँगी और अनियन भी चॉप करके रखा है उसके लिए एक साथ ही मैंने चॉप कर दिया था सारा अनियन तो हमारा अनियन यहाँ पे सॉफ्ट हो गया और मैंने चाय बैठा दिया है क्योंकि बहुत नींद आ रही थी मतलब बाथरूम धोने के बाद मैं बहुत ऐड हो गई थी और नहा लिया तो तो बस लग रहा था सो जाऊँ थोड़ी देर बट ऐसा हो नहीं पाएगा मिशू कहाँ सोने देगी मुझे तो बस हल्का सा अनियन सॉफ्ट होने के बाद ना मैंने चिकन रख दिया है मतलब थोड़ा सा सॉटे कर लिया है नमक ऐड कर दिया है जिंजर गार्लिक ऐड कर दिया है और तब तक हम चाय पी लेंगे जब तक हमारा चिकन बॉईल हो रहा है और यहां पर आलू काट लूंगी थोड़ा सब्जी के लिए तो ये चिकन हमारा देखिए बॉयल हो गया और बहुत लोग पूछ रहे थे विनोद कढ़ाई कैसा है रिव्यू दीजिए तो इस देखिए हाई फ्लेम में ना इस तरह से लग जाता है नीचे मैंने पानी सुखाने के लिए फ्लेम थोड़ा हाई कर दिया था तो इस तरह से ना हाई फ्लेम में आप नहीं बना सकते लो फ्लेम में मीडियम फ्लेम में अच्छा बनता है खाना कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं मीशो के लिए थोड़ा सा ना ये बॉइय्ड चिकन निकाल ले रही हूँ ताकि मैं उसे दे पाऊँ खिचड़ी के साथ नहीं तो वो खाती नहीं है और बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा चिकन को मैंने रोस्ट कर लिया है और पाउडर मसाला सारा ऐड कर दिया है बस हल्दी सॉरी क्डेंडर पाउडर जीरा पाउडर और गम मसाला पाउडर हल्दी मिर्ची यूज़ नहीं होगा इसमें क्योंकि ग्रीन करी बन रहा है तो ये क्यूब्स जो मैंने बना कर रखा था ना टोमेटो क्यूब्स और हर्ब्स कोरिएंडर और तो मिर्ची का जो ग्रीन चिलीज़ का जो क्यूब्स बनाया था वो ऐड कर दूँगी थोड़ा काम आसान हो गया मेरा क्योंकि ये बना हुआ था ऑलरेडी तो बस मैं इसे डाल देना है चिकन में ये बस सिंपल सा करी है बहुत आराम से जल्दी जल्दी बन जाता है कोई टेंशन नहीं है इसलिए मैं ज़्यादातर नहीं करी बनाती हूँ और अलीना ही वो शौक से खा लेती है नहीं तो उसका भी बहुत नखड़ी दिखाती है खाने में और यहाँ पे सब्जी मैंने धो लिया है और सिंपल सा भाजी बनाऊंगी एज अ साइड डिश मतलब अच्छा लगता है मुझे अगर नॉन वेज भी है तो मुझे थोड़ा तो 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 सब्जी अच्छा लगता है खाने में और ये मैंने आज चिकन मंगाया था सुबह तो चिकन के साथ ही ये मैंने मंगा लिया था ये कल बना दूंगी और यहाँ भाजी के लिए मैंने हल्का सा गार्लिक और अनियन को सॉटे कर लिया हल्का सा सॉफ्ट हो गया था तो मैंने चिली पेस्ट ऐड कर दिया है ग्रीन चिली पेस्ट थोड़ा सा पका के इसमें जस्ट हमें सब्जी ऐड कर देना है और साथ साथ ऐड कर देंगे सॉल्ट और थोड़ा सा लो फ्लेम में सब्जी को गलने देंगे और यहाँ पर देखिए हमारा ये मेल्ट होने लगा है तो बस इसे थोड़ा भून लेंगे ताकि जो कच्चापन है ना हर्ब्स का मतलब धनिया पुदीना जो भी है सब थोड़ा तो कच्चापन चला जाएगा उसका तो टेस्ट भी अच्छा आ जाता है उससे तो यहाँ पर मैंने भून लिया है थोड़ा सा भूनने के बाद बस इसमें पानी ऐड कर दिया एक डेढ़ गिलास और उसके बाद थोड़ा तीन चार मिनट बॉईल कर लेंगे और यहां पर मैंने हाई फ्लेम में अभी इससे सॉटे कर सॉटे कर लिया है सब्जी को देखिए यहां पर हमारा ग्रीन करी रेडी हो गया है और मैं सब्जी नॉन स्टिक पहने बना रही हूं क्योंकि हाई फ्लेम में अगर आप स्टील के एक बर्तन बनाए ना तो चिपक जाता है बुरी तरह से इसलिए जब स्टर फ्राई करना होता है कुछ इस तरह का सब्जी बन रहा होता है ना तो मैं नॉन स्टिक मतलब कढ़ाई वढ़ाई यूज करती हूँ और मुझे इस तरह का ना सूखी सब्जी बहुत अच्छी लगती है राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है करी है तो ग्रीन करी है और साइड डिश ऐसा हो जाएगा एक और राइस भी मैंने बैठा दिया था तो राइस भी हो गया है खिचड़ी भी मीशो का रेडी हो गया है और अभी मैं दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने जा रही हूँ वो है मीशो को खाना खिलाना इससे मुश्किल काम मुझे और कुछ भी नहीं लगता है तो चिकन पीसेस जो मैंने निकाले हैं ना बॉयल बॉइल्ड चिकन पीसेस ये सब मैं तोड़ तोड़ के रख देती हूँ यहाँ पे तो मीशू खुद से उठा उठा के खाती है उसे चिकन अच्छा लगता है फिश अच्छा लगता है अपनी सिस्टर के जैसे ही वेज खाना नहीं चाहती है तो मैंने वेज खिचड़ी बनाया है और मैं उसे खिचड़ी खिलाती है वो चिकन पीसेज उठा उठा के खुद से ही खाती है और उतने महीना अलीना आ गई थी बट मीशो सोच रही है को देखूँ या चिकन पे कॉन्सेंट्रेट करूँ तो बस अलीना भी आ गई है उसे भी अब थोड़ा खाना वाना निकाल के दे दूंगी पहले मीशो को खिला दूंगी तो बस ये सब चलता रहेगा तो फिर ठीक है मैं आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए व्लॉग में तो अपना ख्याल रखे स्टे सेफ बाय बाय टेक केयर अल्लाह हाफिज़